नमस्कार। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक भी शहर को एक नई पहचान देने के लिए तैयार हो गया है। इस साल के दिसंबर महीने से जनता के लिए शुरू होने वाला यह ब्रिज समंदर का बना देश का सबसे बड़ा पुल होगा, जिसकी नींव 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। मुंबई से नवी मुंबई का सफर जो अभी तक करीब 2 घंटे में तय होता था, इस ब्रिज के बनने के बाद अब सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। समंदर के ऊपर बन रहे इस सबसे लंबे ब्रिज के पैकेज वन और पैकेज टू को जोड़ने के मौके पर बुधवार यानी कि बीते 24 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इस 22 किलोमीटर लंबी ब्रिज को बनाने के लिए तमाम तरह की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत थी। MMRDA ने इसको बनाने के लिए उन तमाम तरह के साधनों का प्रयोग किया जिससे यह ब्रिज सुरक्षित रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। खास बात यह है कि इस ब्रिज के बनने के बाद मुंबई नवी मुंबई साथ ही रायगढ़ और गोवा का मार्ग सरल हो जाएगा, जिसकी वजह से जनता को आने जाने का तो फायदा होगा ही, साथ ही व्यापार भी बढ़ जाएगा और मुंबई और नवी मुंबई के साथ ही पूरे महाराष्ट्र को एक नई पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर SPO चैनल पर। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।